नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफे। मैं अश्विनी कुमार सिंह, आज के मेहमान सुमित सर, मयंक सर, पुण्यन्दु जी, विचित सर, पीडी सर और अखिलेश जी, आप सभी का स्वागत है। आज करीब हम लोग 1.5 महीने बाद वापस मिले हैं। पीडी सर को जल्दी जाना, इससे शुरुआत पहले पीडी सर से कर। तो लोग अब ट्रेवल कर रहे थे, घूम रहे थे, बाहर थे, इलेक्शन की स्टोरीज कर रहे थे, सब लोग एक साथ नहीं मिल पा रहे थे। कभी हम लोग हैं, कभी दूसरा आदमी नहीं है, इसीलिए आज बहुत दिनों के बाद। हाँ, अश्विनी भी जीते, इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे, पूरी इलेक्शन की टीम। हाँ ठीक है, आप खाली थे। हाँ, इनको सबसे अधिक मलाल इन्हीं को है कि ये खाली थे, कोई हमको पूछ नहीं रहा था। तो उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक और श्रोता हैं, जो हमें सुनते हैं पॉडकास्ट में, भूले ना हो, इसलिए याद दिला रहा था कि हम लोग वही हैं। फिर से आप लगातार सुनते रहिएगा। पीडी सर, ज़्यादा भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिजल्ट सबके पास आ चुके हैं। बहुमत तो मिला एनडीए को, लेकिन बीजेपी बहुमत में सफल नहीं हो पाई। क्या लगता है कि ये जो बहुमत का जो 30 है, 25-30 सीटों का, वो मोदी के फैक्टर से इतना भी आ गया, या वो बीजेपी जो थी मेहनत नहीं कर पाई, या मोदी का फैक्टर चल गया कि 240 सीटें आ गई? ये पास कर देंगे माइक, आज माइक का बड़ा वो है। देखिए अश्विनी, ये सच है कि जब ये पूरा 75 दिन का चुनाव प्रचार चल रहा था तो हर तरफ एक ही शोर था, मोदी मोदी मोदी। जो 543 सीटें थी उन पे लग रहा था कोई दूसरा उम्मीदवार बीजेपी का नहीं है। तो मानना होगा कि जो सारी लड़ाई लड़ी गई और उसके मुकाबले स्थानीय मुद्दे बहुत थे। और देखिए, इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया, यानी वो शहजादे और उस पर बने रहे लगातार, वो घुसपैठी और मंगलसूत्र और इन सारी चीज़ों पर बने रहे, जो एक पहले जिस तरह की भाषा नहीं बोलते थे। तो ये पूरा का पूरा चुनाव प्रचार अगर 90% प्रधानमंत्री मोदी के नाम का था तो बचे खुचे में योगी आदित्यनाथ, भले रैलियां उन्होंने बहुत की हूँ, अमित शाह सब शामिल थे। और यूपी में जो हाल हुआ, बंगाल में जो हाल हुआ, उन सबकी तरह तरह की व्याख्याएं हो रही हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा न होता तो शायद ज़्यादा बुरी हालत होती। इसका इशारा सिर्फ ये नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी को बचा सकते हैं, बल्कि ये कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद बीजेपी एक बड़े खतरे की ओर, एक बड़े आसन्न खतरे की ओर बढ़ रही है। देखिए, बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसकी सांगठनिक क्षमता है, जो सबको ही मानते रहे। अमित शाह बहुत अच्छे संगठन करता है, बल्कि इस बार उनके भाषण में मैंने देखा कि पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा आत्मविश्वास, ज़्यादा तथ्यात्मकता और ज़्यादा आक्रामकता तक शामिल थी। तो सब था, लेकिन अगर इन दो नेताओं को छोड़ दें और तीसरे योगी को छोड़ दें तो 10वें 11वें 12वें नंबर पे कोई नेता लगता ही नहीं है। जिस तरह पिछले विधानसभा चुनाव में मंत्रियों को ताश के पत्तों की तरफ फेंटा गया, कुछ को विधायक चुनाव के लिए लड़ा दिया गया, कुछ को कहीं और भेज दिया गया, वो किसी दूसरे दल में पॉसिबल नहीं है। तो अंदरूनी लोकतंत्र होते हुए भी बीजेपी के भीतर का वो लोकतांत्रिक मिजाज दिखा नहीं, जो अमूमन लोकतांत्रिक पार्टियों में दिखता है कि आप एक सांसद को बोलें कि तुम छोड़ दो पद और जाके विधायक का चुनाव लड़ो एक मंत्री को, तो शायद वो थोड़ा प्रोटेस्ट करे। यहाँ सबको और किसी भी मंत्री का बयान सुनिए, हमने बजट से लेकर बाद में किसी भी चुनाव प्रचार में कोई भाषण बिना डबल इंजन के, बिना मोदी की बात के होता ही नहीं था। तो एक तरह से ये चुनाव नरेंद्र मोदी की कामयाबी भी है और उनकी नाकामी की शुरुआत का सिलसिला भी, क्योंकि यहाँ से जो तीसरा दौर है, दुर्भाग्य से इस दौर में जिन बड़े फैसलों की बात वो कर रहे थे, हो सकता है वो ले लें, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं। मतलब बिहार से लेके आंध्रा तक, और खुद बिहार में तो दो दो लोग हैं, चिराग जब तक हनुमान बने हुए थे, जब उनके भीतर बल आ गया तो क्या बनेंगे पता नहीं। लेकिन हम लोग मान के चलें कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तब भी बीजेपी को आसन्न खतरे के प्रति सावधान होना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा पहले वाला तो नहीं बचा, ये भी ख्याल रखना चाहिए। इसमें एक बड़ा मुद्दा है, ये लोग 80 सीटें बीजेपी यूपी में जीतने की बात कर रही थी, किस आधार पे? लग रहा था हमने इतना भव्य मंदिर बना दिया, इतनी अयोध्या को लेकर कितने कार्यक्रम हुए, काशी कॉरिडोर को लेकर कितने कार्यक्रम हुए, लेकिन हिंदुत्व के इस अतिवाद को राजनीति ने लोकतांत्रिक नकार दिया एक तरह से। वो ऊब गए जैसे लोगों को लगा कि ये राजनीति का दुरुपयोग है,
अब तुम सुन रहे हैं कि कांवड़ के लिए, अब मैं नहीं जानता हूँ खबर में कितनी सच्चाई है, कितने सारे पेड़ काटे जाने हैं उत्तर प्रदेश में, तो सारे फैसले लोगों को डराने वाले हैं। तो इस कट लाइन पे बीजेपी को सोचना होगा कि आने वाले दिनों में अपनी पुरानी ताकत हासिल करनी है या आगे बढ़ना है तो कौन से नए रास्ते हो सकते हैं, कौन से नए नेता हो सकते हैं। 75 पार का मामला अलग है जो होने जा रहा है। नहीं, नजरिया तो खैर सभी का इम्पोर्टेंट है। नहीं, मुझे लगता है बहुत बड़ी सफलता है ये बीजेपी के लिए, लगातार तीसरी बार सत्ता में आना। आप बार बार इसकी चर्चा हो चुकी है, 62 के बाद कोई पार्टी ऐसा नहीं कर सकी करिश्मा, इंदिरा गांधी तक नहीं कर सकी, तो वो करिश्मा नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने करके दिखाया है। पहली गैर कांग्रेस सरकार है जो तीसरी बार बनने जा रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जाहिर सी बात है, जब आप लगातार 10 साल सत्ता में रहते हैं तो लोगों में एक ऊब आ जाती है, एक एंटी इनकम्बेंसी धीरे धीरे घर करने लगती है। ये कुछ जगह पे दिखा भी है, कई सांसद बीजेपी ने अपने बदले, इसके बावजूद कई सारे सांसद बीजेपी के जिनको टिकट दिया था वो हार भी गए, तो ये दिखाता है कि लोग अपने सांसद से खुश नहीं थे। ये उपलब्धि नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये उन्हें नेहरू जी का समकक्ष तो लाता ही है, साथ ही ये भी दिखाता है कि जो गैर कांग्रेस राजनीति है देश में वो भी सफलतापूर्वक ढंग से हो सकती है। उसके लिए आपको इच्छा शक्ति, संगठन और लोगों का समर्थन चाहिए, जो तीनों उनके पास है। अब जो सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी हार गई है या बीजेपी के लिए झटका है, निश्चित तौर पर इसको आप हार तो नहीं कह सकते, क्योंकि एनडीए को बहुमत मिला है, ये प्रीपोल अलायंस है। और कई बार ऐसा हुआ है कि जब प्रीपोल अलायंस को बहुमत मिलता है, सरकार बनाने के लिए बुलाया भी जाता है, तो वही इस बार होगा, फिर से वो प्रधानमंत्री बनेंगे, 8 तारीख को शपथ भी लेंगे। लेकिन हाँ, झटका है बीजेपी के लिए इस लिहाज से कि सीटें उनकी 303 पिछली बार थी, 63 सीटें कम होकर के 240 पर वो आ गए। झटका इसलिए भी है कि जिन राज्यों में कम हुई वहाँ पर बीजेपी की अपनी सरकार है, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश में तो झटका लगा ही है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में तो अभी 6 महीने पहले ही सरकार बनी, वहाँ पर झटका लगा, महाराष्ट्र में और बंगाल में जहाँ कुछ सीटें कम हुई है, 18 थी मेघालय से अब 11 या 12 रह गई है, 12 तो 6 सीटों का नुकसान पश्चिम बंगाल में, लेकिन वहाँ पर बीजेपी विपक्ष में है। तो 3 राज्यों में मुख्यतः झटका लगा है, कर्नाटक में लेकिन फायदा हुआ, फायदा इन द सेंस कि वहाँ पर कांग्रेस सरकार है लेकिन बीजेपी ने करीब करीब अपनी पिछली परफॉर्मेंस को रिपीट किया। गुजरात में एक बार फिर से हैट्रिक लगाते लगाते एक सीट से रह गए। मध्य प्रदेश में इस बार एक सीट जो हारते आते थे वो उन्होंने जीत ली। छत्तीसगढ़ में एक सीट अपनी पिछली बार से बढ़ा ली। उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली में सारी की सारी 100% स्ट्राइक रेट उनका रहा। और सबसे बड़ी बात, उड़ीसा में जो कि पूर्व का एक ऐसा महत्वपूर्ण राज्य है, वहाँ पर बीजेपी ने 24 साल से बैठे हुए नवीन पटनायक को हरा दिया। वो नवीन पटनायक जो पिछले 10 साल से बीजेपी को हर मुद्दे पर केंद्र में समर्थन देते आए। केरल में बीजेपी ने अपना कमल खिला लिया, आरएसएस, जनसंघ और बीजेपी के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था। बीजेपी ने यहाँ पर सीट अपनी जीती, त्रिशूर से जीते हैं और सुरेश गोपी और मुझे लगता है कि मंत्री भी वो बनेंगे। तो ये बहुत बड़ी, इसमें कई हाईलाइट्स भी हैं और कई नुकसान वाली बात भी बीजेपी की है। इसमें नुकसान जो है वो बीजेपी का बड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश में, और ये जो उत्तर प्रदेश का नुकसान, ये बीजेपी को बहुत समय तक जो है 30 देता रहेगा। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर 2014 में एक सोशल इंजीनियरिंग की थी। सोशल इंजीनियरिंग ये थी कि बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी को अपने साथ लिया था। वो वोट बैंक पिछले 4 चुनाव में बीजेपी के साथ रहा है, 2 लोकसभा में, 2 विधानसभा में, लेकिन इस बार वो वोट छिटका है। स्पेशली अगर आप गैर यादव ओबीसी की बात करें तो खटीक वोट जो है और कुर्मी वोट जो है वो गया है सपा कांग्रेस के खाते में। क्यों गया? क्योंकि अखिलेश यादव बीजेपी से भी 2 कदम आगे निकल गए। जो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी करती आई थी वो अखिलेश यादव ने उसका जवाब दिया, उन्होंने पीडीए से जवाब दिया, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। अब आप देखिए कि दलित और समाजवादी पार्टी का तो मेल बोलते कि हो ही नहीं सकता, क्योंकि मायावती तो ये बात कहती आई थी, अलायंस भी किया था, लेकिन वो गेस्ट हाउस कांड के बाद आप जानते हैं कि टूटा भी था। लेकिन इस बार चूंकि मायावती ने चुनाव लड़ा ही नहीं, ये कहा गया, एक तरह से हथियार डाल दिए, और जो संविधान को लेकर के प्रचार किया गया कि बीजेपी अगर 400 सीटें ले लेती है, एनडीए ले लेता है, तो वो संविधान को बदल देंगे, बाबा साहब का संविधान बदल देंगे, इसका नुकसान भी बीजेपी को वहाँ पर हुआ। अखिलेश यादव ने अपने जो उम्मीदवार दिए वहाँ पर, 5 यादवों को छोड़ के जो भी उनके परिवार के थे, उनके अलावा बाकी सब उन्होंने, ये तो गैर यादव ओबीसी थे या अपर कास्ट के थे या मुसलमान थे,
तो ये बीजेपी को इसलिए झटका लगा वहाँ पर उत्तर प्रदेश में। मुझे लगता है खुद बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, लेकिन मुझे लगता है कि ये बीजेपी इस पर जरूर मंथन करेगी। ओवरऑल मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आगे क्या होगा। नरेंद्र मोदी तो गठबंधन की सरकार चला नहीं सकते, कभी आज तक चला ही नहीं है, तो इसका जवाब ये कि इसलिए नहीं चलाई क्योंकि जनता ने कभी उनको जनादेश दिया नहीं इस तरह का। वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बीजेपी को अपने वहाँ पर बूते पर मिलता था, वहाँ तो वैसे भी दो ही पार्टियाँ हैं। केंद्र में आए तो जनता ने पूरा बहुमत दिया, लेकिन जब नरेंद्र मोदी बीजेपी के संगठन महासचिव थे तब उस वक्त उन्हें कई जिम्मेदारियाँ ऐसी दी गई थी जिसमें कि इस तरह की पार्टियों से उनको तालमेल करना था। जम्मू कश्मीर में उन्होंने किया, महबूबा मुफ्ती के पिताजी थे उनके साथ उन्होंने किया, मुफ्ती सईद के, उन्होंने हरियाणा में यही किया। तो इस तरह संगठन सचिव होते हुए उन्होंने ये जिम्मेदारी निभाई है। तो ये कहना कि उन्हें अनुभव नहीं, वो नहीं कर सकते, मुझे लगता कि ये सच है। लेकिन हाँ, जब बीजेपी अपने भूते बहुमत लेके आई थी तो जाहिर सी बात है कि वो वैसे ही बिहेव कर रही थी। तब जो है बीजेपी ने नेशनल रिप्रेजेंटेशन दिया था, और इसी बात को लेकर नीतीश कुमार 2019 में अपना मंत्री उन्होंने नहीं बनाया था क्योंकि बीजेपी कह रही थी कि आपको एक सांकेतिक तौर पर हम एक मंत्री बना देंगे, लेकिन वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चाहते थे कि जितनी ताकत है उसके हिसाब से दिया जाए। मुझे लगता है अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। विजित सर, जैसा अखिलेश सर ने कहा ना कि ये जीत तो है बड़ी, क्योंकि भाई वो पहली बार जीते हैं, वो सच्चाई है। मतलब पहला कोई सरकारों की जो तीन बार लगातार बन रहा है, लेकिन जो 400 के प्रोपोर्शनेट या 370 का जो बातें कही गई थी, जिस तरीके का माहौल था, उस नज़रिए से एक बड़ी हार है, आपको नज़र आती है? दो चीज़ें। एक तो बहुत पुरानी कहावत है जो हमें बचपन, हम सबको बचपन में सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। वो कहने सुनने में ही नहीं, कई बार करने में भी अच्छे से लागू होती है। इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी ने, जैसा इन्होंने अखिलेश जी ने कहा, बीजेपी का प्रदर्शन दो बार लगातार सत्ता में रहने के बाद और आज के दौर में अगर 240 सीट भी जीत रही है तो वो प्रदर्शन अच्छा कहा जाएगा। हम नेहरू से तुलना वाली बात कभी नहीं करेंगे क्योंकि तब की परिस्थितियां अलग थीं, तब का राजनीतिक विमर्श अलग था, राजनीतिक दलों का संगठन और खाका अलग था और जनता की आकांक्षाएं अलग थीं। तब जनता इस बात के लिए नहीं कि हमको 5 किलो अनाज मिलता है कि नहीं मिलता है, जबकि उसमें गरीबी ज़्यादा थी, बावजूद इसके आज वो सारी चीज़ें उनको चाहिए, इसीलिए वो हमेशा पलटने के लिए उद्यत रहते हैं। तो हम उस तरह की चर्चा में न जा करके अगर बुनियादी चीज़ में, मैंने ईमानदारी की बात इसलिए कही कि बीजेपी ने जिस तरह की राजनीति की उसमें कई चीज़ें विरोधाभासी हो गई। जैसे प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत छवि ईमानदार नेता की है, वो व्यक्तिगत तौर पे बहुत ईमानदार हैं, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ईमानदार पार्टी है, ये भी सही है। उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल उठ गया कि आपने विपक्ष के जिन उन लोगों को अपने साथ शामिल किया जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, अब सवाल है कि उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे। ये नहीं हो सकता कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ और यहाँ पर दो लोग हैं, इसमें एक दोनों लोगों पर अगर समान रूप से आरोप लगा हो और हम एक को अपने साथ आ जाए मेरे तो पवित्र हो जाए और जो दूसरे जो मेरे खिलाफ खड़ा हो वो भ्रष्ट रहे, ये नहीं हो सकता। उसी तरह से ये भी नहीं हो सकता कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला सवाल था उस पर लोगों में कुछ शंका, कुछ सवाल उभरे। अब मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा तो लंबा समय लग जाएगा, उसमें नहीं जाऊंगा। तीसरा इसी से जुड़ी हुई तीसरी चीज़ है धर्म और जाति का। बीजेपी ने धर्म की राजनीति की, धर्म की राजनीति बीजेपी की तब तक चली जब तक कि वो जाति को जोड़ करके थी। जब जाति और धर्म दोनों अलग अलग खाके में चले जाएंगे तब जाति जीतेगी, धर्म नहीं जीतेगा, क्योंकि इस देश में जाति सबसे बड़ा धर्म है। आदमी हो सकता है कि धर्म के नाम पर उतना जज्बाती न हो जितना धर्म के, जितना जाति के नाम पर हो, और खासकर इसलिए कि हमें जो राजनीतिक और जो हमें संवैधानिक आरक्षण मिलता है इस देश में उसमें वो जाति महत्वपूर्ण है, क्योंकि जाति के नाम पर सामाजिक भेदभाव है तो जाति के नाम पर ही आरक्षण वगैरह मिलेगा। अब विपक्ष ने संविधान को लेकर के जो विमर्श बनाया, जिस तरह राहुल गांधी हर सभा में ले जाकर कहते थे ये संविधान है, यही इस देश को चलाएगा, मोदी जी इस संविधान को नहीं ले जाएंगे, और जिस तरह से तमाम लोगों ने संविधान को तो
बदलने की बात की, इसमें अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह से लेकर के और भी तीन चार लोगों ने, ज्योति मिर्धा, अरुण गोविल, सब ने, उसका हमें लगता है कि उन लोगों पर जिनको ये लगता है कि ये आरक्षण हमारा है, वो भले पढ़े लिखे कम हो सकता है समाज में उपेक्षित वंचित हो, उनको लगा इसका बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ा। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें एक बड़े परिणाम के रूप में सामने आ गई हैं। तो इलेक्शन कैफ़े का हमने जो लास्ट एपिसोड जो किया था आज से पहले, वो 17 मई का था, वो दो हफ्ते पहले। तो दो हफ्ता हुआ, 17 मई से आप जोड़ेंगे, आज 5 जून है ना, तो कितना हुआ? 18 दिन। अच्छा, लग रहा है जैसे कि 2 महीने। हाँ, नहीं नहीं, वो 17 दिन आपको ज़्यादा लग रहे थे। तो अच्छी बात ये रही कि हमने उस चर्चा में जो एक इलेक्टोरल डायरेक्शन था जनता का, वो कहीं ना कहीं समझने की कोशिश की। हम नंबर गेम में नहीं पड़े कि किसको कितनी सीटें आएंगी, लेकिन डायरेक्शन वाइज हमारा जो आकलन था वो ठीक था कहीं ना कहीं। जैसे राजस्थान से जब बाबा आए और हम लोगों ने भी उसको, बाबा की बातों को रीचेक किया, तो ये लगा कि नहीं, राजस्थान में एक लंबी लड़ाई होने जा रही है। हमने ये बातें की कि 10 सीटों पर गठबंधन जो विपक्ष है वो बहुत अच्छे से लड़ रहा है। एक बात जो मैंने पूरे चुनाव में महसूस की कि सीटों के आकलन में गलतियां लोगों से क्यों हुई। लोग विपक्ष की सीटों को कहते थे कि यहां पर कांटे का मुकाबला है, जहां पर वो जीत के आए, लेकिन जब वो सरकार के थोड़ा सा झुकाव, मतलब बीजेपी के झुकाव वाले, तो कहते थे बीजेपी आराम से जीत रही है, लेकिन जो विपक्ष जहां मजबूत था उसको बोलते थे यहां कांटे का मुकाबला है। ऐसा नहीं कि आपने यूपी में लोगों से बात की तो ये महसूस नहीं हुआ कि 40 सीटों पर विपक्ष बहुत अच्छे से लड़ रहा है, ऐसा कहने वाले तमाम लोग थे। आप देखेंगे कि वो 40 से ज्यादा सीटें वो दिखने आई हैं। तो वो जो कह रहे थे कांटे की लड़ाई, दरअसल अंदर से उनको लग रहा था जीत सकते हैं, लेकिन कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि मोदी भी हारते हैं। जो आदमी लगातार 2002, 2007, 2012 तीन बार लगातार पूर्ण बहुमत, जिसमें 12 वाले में उनको थोड़ा सा मुश्किल हुई थी, लेकिन थी तो पूर्ण बहुमत की सरकार, वो 100 से नीचे आ गए थे जहां तक याद है, 99 सीटें। अच्छा 17 में, मैं गलत बोल गया, हाँ ठीक है 17, हाँ वो नहीं था, ठीक है 17 में वो नीचे आए, माफी चाहता हूँ मैं उसके लिए, 17 में वो नीचे आए थे, लेकिन उनके चेहरे पे जो तीन बार वो पूर्ण बहुमत, उसके बाद 14 और 19 में 282 और 303 सीटें, तो ये तो कोई मानता नहीं था कि कम हो जाएगा, बहुत होगा तो पूर्ण बहुमत आएंगे, 240 आना। अब ये कहने की बात की, मतलब हम, मैं फिर खैर अपने पहले उस मुद्दे पर आता हूँ कि महाराष्ट्र में भी हमने ये बात की कि महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ साफ दिख रहा है कि बीजेपी गठबंधन के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है, वो आंकड़ों में भी दिखा। हमने ये भी बात की कि बिहार में भी इनको नुकसान होगा जिस तरह से तेजस्वी की लोकप्रियता बढ़ रही है। हम नंबर गेम में नहीं गए कि कितना होगा, कम ज्यादा नहीं होगा, लेकिन हमारा वो डायरेक्शन भी सही हुआ। राजस्थान, फिर कर्नाटक की भी अगर हमने बात की या दूसरे राज्यों की बात की, तो डायरेक्शन वाइज हम सही थे। नंबर गेमिंग में हमने कभी किया ही नहीं कि इसकी इतनी आई कि उतनी आई। जब 370 की बात भी हुई, वो एपिसोड में भी ये बात हुई कि भैया ये कभी पॉसिबल नहीं होगा इतना ज़्यादा। तो हम ये मानते हैं कि ऐसे दौर में जब आंकड़े जो है वन साइडेड दिखाए गए एग्जिट पोल तक, उसमें तो हम कम से कम हमने जो है डायरेक्शन को पकड़ने की कोशिश की। एग्जैक्ट नंबर हम ना हमने कभी बात की ना हम उस पर गए, तो ओवरऑल हम पाएंगे कि हमारा जो इलेक्शन कैफे में सब लोगों ने मिलकर जो विश्लेषण किया, वो दिशा उसकी सही दिशा में थी। अब आते हैं इस चुनाव पर। अब ये जो बात आपने मुद्दा उठाया है, नहीं नहीं, अब इस पे आते, चूंकि आपने एक सवाल उठाया है कि बीजेपी को जो सीटें आई हैं वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से आई हैं, वरना ये भी शायद नहीं आती, तो वो मोदी जी की ही जीत है। इसको अगर हम पलट दें कि मोदी जी की चेहरे पर 543 सीटें लड़ी गई और ये दावा किया जा रहा था कि बीजेपी इस बार अपने पिछले आंकड़े को क्रॉस कर देगी, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल किसी में भी उनको 300 से कम सीटें नहीं दी जा रही थी, 350 सीट तक भी लोग दे रहे थे, एग्जिट पोल में 400 तक के भी आंकड़े आए। अब एनडीए भी 300 नहीं क्रॉस कर पाया कुल मिला के, और बीजेपी 240 पे आ गई, तो आप इसे क्या कहेंगे? जिस राज्य में आपकी सबसे ज्यादा सीटें आई थी, उत्तर प्रदेश में, जहां आपकी अपनी सरकार है, जहां आप मोदी योगी डबल इंजन फेस में डबल इंजन सरकार, और जहां पर इस इलेक्शन का जो सबसे बड़ा आपका कार्ड था राम मंदिर, वो आपने चला, उस राज्य में आपने सबसे कम, आपको आई है सपा से भी 33 सीट आई हैं, समाजवादी पार्टी को आपसे 4 से ज्यादा सीटें आई हैं, खुद अयोध्या फैजाबाद की सीट आप हार गए,
बनारस में प्रधानमंत्री मोदी का जो जीत का अंतर है वो 4 लाख लगभग 80 हजार था 2019 में, वो घट के 1,50,000 आ गया है। स्मृति ईरानी जिन्होंने राहुल गांधी को हराया था, वो जिनको कल तक बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते थे, केएल शर्मा साहब, उनसे 1.5 लाख से ज्यादा वोट और 1,60,000 से ज्यादा वोट से हार गई। ये दिखाता है कि नाराजगी थी, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग से ही हासिल नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि जो रोजी रोटी बेरोजगार का सवाल है, अग्निवीर का सवाल है, संविधान का सवाल है, फिर दूसरा एक जो मुद्दा इनके खिलाफ गया है बहुजन समाज, हमने ये बहुजन समाज पार्टी पर स्पेशल एपिसोड किया था आपको याद होगा, और उसमें ये बात साफ हुआ था कि बीएसपी जो है ये बहुत बड़ा फैक्टर होने जा रहा है, और बीएसपी वोट किधर शिफ्ट होगा ये चुनाव उत्तर प्रदेश का जो परिणाम होगा ये वो दिखाएगा। तो बीएसपी को जिस भी तरह से, क्योंकि परसेप्शन में ये गया कि बीएसपी जो चुनाव में खुल के नहीं लड़ रही है वो उसका एक खास वजह है, खास वजह ये है कि वो डरी हुई है, और वो डर सत्ता से है, वो डर सीबीआई और ईडी से है। तो बीएसपी समर्थकों ने भी उसको उस ढंग से लिया कि बहन जी जब लड़ नहीं रही हैं तो हम उस ताकत के खिलाफ वोट करें जिसकी वजह से बहन जी डरी हुई हैं, क्योंकि बीच चुनाव में आपने आकाश आनंद को जो मुखर हो रहे थे धीरे धीरे, जिनके खिलाफ एक FIR हुआ, खासकर वो बीजेपी के खिलाफ भी मुखर हो रहे थे, उनको आपने पार्टी के जो उत्तराधिकारी उस पद से हटा दिया, उनका चुनाव प्रचार बंद हो गया, तो उनके समर्थकों ने उसको बहुत उत्साह से तो लिया नहीं होगा। वो जो वोट था उनका बीएसपी का वो बीजेपी के खिलाफ कहीं ना कहीं गया, मैं ये नहीं कहता हूँ पूरी तरह से गया, लेकिन अगर सपा का खुद का वोट जो है मात्र 62 सीटों पे लड़के, समाजवादी पार्टी 33% उसको वोट मिले सिर्फ 62 सीट पे लड़के, 18 पे तो वो लड़ी नहीं है, 33% अगर ओवरऑल बीएसपी को 9% बीएसपी को 13% विधानसभा में मिले थे, अब 9, तो ये जो 4% उसके कम हुए कहाँ गए हैं। अब मेरी तमाम पत्रकारों से बात हो रही थी चुनाव के दौरान में, तो एक पत्रकार ने बताया अपने जमीनी दौरे के बाद, उन्होंने कहा कि जो बीएसपी का वोट है वो उसका एक हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ इस बार जा रहा है, जो संविधान का सवाल था वो उसने कहीं ना कहीं वो क्लिक किया है, जो राहुल गांधी हर सभा में संविधान जो की प्रति लेकर के जो जा रहे थे वो ऐसे ही नहीं जा रहे थे, वो फीडबैक उनको मिले थे, और जो हमने ये विश्लेषण किया था कि प्रधानमंत्री अचानक से विकास की बात करते करते ये जो मुसलमान वाले मुद्दे पे, मंगलसूत्र वाले मुद्दे पे, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले मुद्दे पे अचानक क्यों आ गए, ये क्या है, ये फीडबैक उनको वहीं से मिलने शुरू हुए कि, और वो कह रहे थे बार बार ये दावा करते जब तक मोदी जिंदा है संविधान को कोई टच नहीं कर सकता, आपका जो आरक्षण है वो कांग्रेस जो ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले को नहीं दे सकती, इसका मतलब उन्हें वो फीडबैक मिल गया था। देखिए हमसे और आपसे करोड़ गुना ज्यादा उनका तंत्र है, प्रधानमंत्री ऐसे ही नहीं वो कर रहे थे कि अचानक से वो उन्होंने चुनाव को एक ध्रुवीकरण की तरफ ले जाने की कोशिश की, उसकी वजह थी कि उनको फीडबैक मिलना शुरू हुए थे कि ओबीसी या जो दलित वोट बैंक है वो संविधान बदलने के सवाल पर कहीं ना कहीं उसको एक नेगेटिव मैसेज जा रहा था, उसको उन्होंने कोर्स करेक्शन के तौर पर ये मुद्दे ले आए, हो सकता है इसको उनको फायदा भी मिला हो, क्या पता इसकी अगर ये नहीं करते उसको ज्यादा नुकसान होता, तो एक वो फैक्टर है। और दूसरी बात यह है कि राज्यों के स्तर पर देखें तो ये चुनाव वेव इलेक्शन नहीं था, इसलिए कई जगह आपको स्टेट लेवल पे अलग अलग आउटकम, जो मेजर मुझे समझ में आता है राज्यों के स्तर पे अलग आउटकम है, जैसे मध्य प्रदेश में उन्होंने क्लीन स्वीप कर दिया 29-0, जो एक कांग्रेस का जो गढ़ था वो भी हार गए, वो छिंदवाड़ा जो 80 के बाद से एक उपचुनाव छोड़ दे तो कभी कमलनाथ परिवार का कब्जा रहा नहीं, 52 से तो था, मैं 80 से कमलनाथ परिवार की 80 से कब्जा था, जिसमें एक बार वो उपचुनाव में 97 में पटवा साहब से हार गए थे, बाकी वो कभी हारे नहीं, तो वो हार गए। छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने अपनी एक सीट बढ़ाई है, तो और देखें आप तेलंगाना में उन्होंने अपनी सीट 4-8 कर ली, आंध्र प्रदेश में खैर उसमें मानते हैं गठबंधन का था तो वो उन्होंने बढ़ाया है, केरल में उन्होंने जहां जीवन में कभी जीते नहीं वहां एक सीट जीत ली है, तमिलनाडु में सीट नहीं जीते अपना वोट परसेंट उन्होंने 10 से क्रॉस किया है, तो बहुत सारी जगह उनके लिए पॉजिटिव है, लेकिन बहुत सारी जगह नेगेटिव है, पंजाब में उनका खाता नहीं खुला, और हरियाणा में जहां उनकी 10 सीटें थी वो 5 पे घट गया, 5 जगह वोट फीसदी घट गया, और महाराष्ट्र में जहां पर वो जब अकेले लड़ते थे तब से इससे ज्यादा सीटें जीत सकते थे वहां पे कम हुआ। दूसरी बात, ये तमाम बड़े दावे किए जा रहे थे कि बीजेपी का तो ठीक है, बीजेपी तो बढ़िया कर लेगी, उसके घटक दलों का क्या होगा, जेडीयू का क्या होगा, शिंदे का क्या होगा, मजेदार बात है एलजेपी का क्या होगा, लेकिन आप देखें चीजें उल्टी हो गई, बिहार में जेडीयू ने बीजेपी की तुलना में बेहतर प्रदर्शन, वो 16 में 12 जीते, ये 17 में 12 जीते, वहां पर 15 सीट लड़के शिवसेना शिंदे गुट जो है 7 सीट जीत जाता है, ये 28 सीट लड़ करके ये 12 सीट पे
शायद जीतते हैं, तो 10 पे, सॉरी 10 पे जीतते हैं, तो घटक दलों ने तो ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया उस हिसाब से आप देखें, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या वो उसका भी ये कहा जाएगा कि घटक दल भी मोदी जी के नाम पर जीत गए? भाई मोदी जी के नाम पे जीतना था तो उनकी पार्टी ज्यादा बेहतर ढंग से करती, इसका मतलब है कुछ ना कुछ मामला और था। और दूसरी बात महाराष्ट्र की बात है, तो महाराष्ट्र की जनता ने आप देखिए 30 सीट दी है महाविकास आघाड़ी को, 48 में 30 सीट, आप समझ रहे हैं इसको? उन्होंने इसका मतलब है कि इस प्रयास को जो पार्टियों का बंटवारा हुआ उसको अच्छे से नहीं लिया। एनसीपी शायद ऐसे अगर टूटती नहीं तो इतने वोट नहीं मिलते, शिवसेना अगर टूटती नहीं तो शायद वो अगर अलग लड़ती तो इतने वोट नहीं मिलते, लेकिन जनता ने उसको बहुत गलत तरीके से लिया। और उन्होंने वोट कम किसके किए? उस पार्टी के जिसके लिए उसको कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानते, तो वो रिफ्लेक्शन हुआ। तो स्टेट वाइज हमें इस आउटकम को देखना था, वेव इलेक्शन नहीं था, अलग अलग कुछ स्टेट में उन्होंने अच्छा किया, कुछ स्टेट में खराब किया। बंगाल की बहुत बात हुई कि बंगाल में बीजेपी जो है इस बार ज्यादा सीटें लेके आई, बीजेपी की सीटें घट गई। और आपने देखा कि इस बार जेएमएम की 3 सीटें आई एक से ज्यादा, तो वहां पर उन्होंने जो जेल में गए उसको भी अपना वोट भी बढ़ाया। आप मजेदार बात, ऐसा नहीं कि सीटें बढ़ी हैं, वोट भी बढ़ा है उनका। तो ये इस तरह से देखने की जरूरत है। तो बहुत डिटेल में उन्होंने बात की है, सब कुछ बोल दिया है, और जो 2 हफ्तों की बात थी सुमित सर पूरा उन्होंने आज पूरा कर दिया। तो मैंग सर, मन की इच्छा है, नहीं आप ये नहीं कहेंगे ना कि मैं कम बोला है ज़्यादा बोला है ये तो। मैंग सर, क्या चीज़ है इस इलेक्शंस में जो लोगों को ध्यान देना चाहिए कि भाई इलेक्शन में ये भी हो सकता है, मतलब सबकी बातें हो गई, ऐसा क्या नज़र आया आपको? टॉपिक आप कुछ भी दीजिएगा, जो हमको बोलना होगा उसी हम जो सोच के आए वही बोलेंगे। जैसे कहते हैं ना, पढ़के में जो आप वही हमने गाय पे निबंध तैयार किया, तुमने कहूं मैं कैसे पूछूं? मुझे लगता है कि हम लोग मयंक सर का विश्लेषण सुनना चाहेंगे बहुत ध्यान से। इन्होंने इलेक्शन कैफे को प्रमोट किया, हम थोड़ा मीडिया को डिफेंड करते हैं। आप सोचिए ना, हम पूरे अपने पूरी इंडस्ट्री को हम डिफेंड करते हैं, और हम लोग किस मोस्टली मीडिया हाउसेस दिल्ली में हैं या नोएडा में हैं। अब इसका रिजल्ट देखिए, इस बार दिल्ली में 7-0 बीजेपी, गुड़गांव में बीजेपी, फरीदाबाद में बीजेपी, नोएडा में बीजेपी की जो जीत है वो यूपी सबसे बड़ी है, जीत यूपी की सबसे बड़ी जीत है, और गाजियाबाद में भी सेकंड हाईएस्ट होगा, भयानक। हम लोग रोज यही चीज़ सुनते हैं, और हम लोग आसपास जिससे मिलते हैं सब एकदम से जय श्री राम और बीजेपी भक्त बना हुआ है, तो हम लोग वही सुनते हैं, तो उसका असर तो होगा ना। इसीलिए 300 पार या 400 पार आसपास के माहौल को देखते हैं, तो उसे लगता है कि सच में हो सकता है ये हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग का जो बायस है उसका वजह देखिए कि हमारे आसपास जो भी एरिया है वो बीजेपी का गढ़ है, तो उसके चलते हो सकता है बायस आ गया हो। इसीलिए लोग गाली देते हैं कि मीडिया बिक गया ये। अब हमारे आसपास में अगर यही हो रहा है तो वही देखेंगे हम ना। अब 6 महीने में एक बार कहीं जाने को मौका मिलता है, इसीलिए वो फीडबैक थोड़ी देर के लिए स्टे करता है, उसके बाद भूल जाते हैं हम लोग। इलेक्शन वर्डिक्ट पे हम आते हैं। इलेक्शन वर्डिक्ट का एक ही लाइन हम मतलब मेरे हिसाब से सही है, लोगों ने औकात दिखा दी सबको। और यही है, अब देखिए हम सब का किसी को भी ये अनुमान नहीं था कि यूपी में इतना बड़ा उलटफेर हो सकता है। हम में से किसी का भी अनुमान नहीं था कि नीतीश की इतनी बड़ी वापसी हो सकती है। किसी को भी अनुमान नहीं था कि नवीन बाबू नेस्तनाबूद हो जाएंगे। लोकसभा में एक भी सीट नहीं जीती है बीजेपी, बहुत बड़ी बात है। किसी को भी अनुमान नहीं था कि जगन मोहन रेड्डी वाइपआउट हो जाएंगे। किसी को भी अनुमान नहीं था कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस होगी। बिल्कुल, ये इतना अजूबा है। ये वहाँ के ग्राउंड से जो घूम के आए थे, तो सबसे मतलब कुछ लोगों से बात किए तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी कमजोर कड़ी कांग्रेस है, और कांग्रेस का एक या दो सीट आ जाए बहुत ज़्यादा है, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हो गई वहाँ। उसी तरह इसका इस तरह का मध्य प्रदेश में कंप्लीट वाइपआउट हो जाएगा, गुजरात में बीजेपी एक सीट हार जाएगी, ये सब बहुत ही अजूबा हुआ इस इलेक्शन में। और इस अजूबा में मेरे हिसाब से एक ही मैसेज है, लोगों ने सबको औकात दिखा दी, मीडिया को भी दिखा दी, एग्जिट पोल करने वाले को भी दिखा दी, बीजेपी को भी दिखा दी। कांग्रेस वाले बेस्ट के सिनेरियो में भी बोलते थे कि 90 के आसपास रहेगा। कांग्रेस औकात बढ़ा दी,
नहीं, उनको भी उनको औकात दिखा दी कि भाई तुम अपना औकात बढ़ा लो, बढ़ा लो। तो ये मतलब ऑलराउंड मैसेज यही था। अब इसका मैसेज इसके बाद फिर से दूसरा हम लोग के लिए मीडिया का पक्ष लिए तो मीडिया के लिए शायद सुबह से ही अच्छी खबर ये है कि हम लोग को कोई खबर नहीं मिलती थी हाल के दिनों में। अब शुरू सुबह से हम लोग क्या चला रहे हैं, TDP का क्या डिमांड है, JDU का क्या डिमांड है, क्या हो सकता है, कैबिनेट फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, किसको क्या पोर्टफोलियो, हम लोग को कुछ किसी को कुछ पता नहीं होता था। लास्ट डे में अनाउंसमेंट हो जाता था। अब आज से वो बदलने लगा है, हो सकता है कि हम लोग के पास खबर भी आने लगे अब। तो ये हाँ ये नया ट्रेंड है। हाँ तो इसीलिए तो इस हिसाब से भी हम लोग को भी थोड़ी औकात बढ़ा दी गई है शायद। लोगों ने बढ़ा दी। हाँ बाकी तो, और अब ये देखिए औकात में ही एक एग्जांपल हम देना चाहेंगे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का, और हम लोग चर्चा कर चुके हैं आसाम में मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूएंसी है धुबरी, और वहाँ के किंग माने जाते हैं, 3 लगातार चुनाव जीते थे बदरुद्दीन अजमल, वो 10 लाख वोट से हारे हैं। देश में सबसे बड़ी हार हुई है तो उन्हीं की हुई है, और वो वहाँ मतलब वहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था कि अजमल हारेंगे इतने भयानक मार्जिन से। तो एक ही मैसेज है, सबको औकात दिखा दी लोगों ने, और लोकतंत्र में लोक सबसे इम्पोर्टेंट है, तंत्र का इस्तेमाल करके लोक को दबाने की कोशिश करेंगे तो लोगों का ऐसे ही बैकलैश होगा। इस इलेक्शन का सबसे बड़ा मैसेज यही है मेरे हिसाब से। सुमित सर जी, आपकी तरफ से अब आपने फोन, सुमित सर सबसे फोन धरा रहे थे कि बहुत सारा पढ़ लेंगे, अब सुमित सर बताइए अब क्या पढ़ा आपने और ऐसा क्या है जो इस चुनाव में आपको लगता है कि ये कुछ अलग हुआ है पिछले 10 सालों से या उससे पहले जो UPA सरकार थी उससे? मैं क्या बताऊं, इसमें सब लोग बोल ही चुके हैं, मेरे लिए बोलने कुछ बचा नहीं है। जो मुझे बोलना था मैं TV पे बोल ही चुका हूँ, तो कुछ नई चीज बची नहीं है बोलने के लिए। एक सवाल था आपके लिए। नहीं, सवाल था नहीं नहीं, अरे मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मैं कर भी नहीं पाऊंगा। नहीं, एक सवाल ये है, आपने तो बहुत सारी सरकारों को कवर किया है, और आप मतलब आप दोनों भाई, आप दोनों भी कवर किया, तो मैं ये मेरा सवाल था कि भाई मोदी जी को तो आदत रही है अकेले पूर्ण बहुमत वाली सरकार चलाने की, अभी पहली बार उनका मौका होगा कि जब ठीक है गठबंधन के दल थे लेकिन वो आश्रित नहीं थे, अब वो आश्रित होंगे, तो मोदी 1 और मोदी 2 से मोदी 3 कैसे और किस मायने में अलग होंगे? एक लाइन में हम बोल देते हैं कि हम लोगों ने एक रूप देखा है, अब दूसरा रूप देखेंगे। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूर्णेंदु लसे फिल्म देखने बैठे हुए हैं इनको, और हर एक नए सीन के बाद एक सस्पेंस चाहिए, एक कुछ सिजलिंग शॉट चाहिए कि मोदी जी को हमने ऐसे देख लिया, मोदी जी को ऐसे देखते हैं। अरे भाई, राजनीति है, देश की राजनीति ऐसे ही चलती है, पीछे 75 साल से देखते आ रहे हैं, बड़े बड़े लोगों ने इस देश में मिलीजुली सरकारें चलाई हैं, मजबूरी का नाम जब होता है महात्मा गांधी तो सबको मानना पड़ता है, और ये कड़वी सच्चाई है। इसमें नरेंद्र मोदी क्या करेंगे कैसे करेंगे ये हम और आप कौन होते हैं भाई। कल जब उन्होंने कहा, उनके पास 240 सीटें आई, और उसके बाद उनके तमाम सहयोगियों ने, अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं NDA की बैठक चल रही है, तब सबने अपनी चिट्ठियां पकड़ा दी हैं। अब देर शाम को जाके सब राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं, चिट्ठियां उनको भी दे देंगे जाके, तो उनका प्रधानमंत्री बनना तय है। अब ये तो कोविड जैसी स्थिति है ना, जो मैं भी आपको बोल रहा था कि कोविड किसी ने देखा नहीं था, पहली बार सबने देखा, तो कौन सा इंजेक्शन लगना है, कौन सी दवाई लगनी है, किसी को पता नहीं है, हर डॉक्टर हर रिसर्चर हर साइंटिस्ट अपनी तरफ से दवाई निकाल रहा था, तो हमको पता कहाँ है ये। तो जब चीज़ें होंगी, फैसले लिए जाएंगे, तो क्या करेंगे कैसे करेंगे, कितने अकोमोडेटिव होंगे नहीं अकोमोडेटिव होंगे, BJP की लीडरशिप कितना अपने स्वभाव में अंतर करेगी नहीं करेगी, ये सब तो आगे की बात है, इसमें मैं प्रियम नहीं करना चाहता हूँ, और करना भी नहीं चाहिए, हमारी औकात भी नहीं है प्रियम करने की, क्योंकि हम उनके करीब नहीं है ना, हम अपने मन की इच्छाएं जता सकते हैं कि मैं चाहता हूं ऐसा हो जाए, पर मन की इच्छा जताने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हुए। मन की इच्छा जताने के लिए मेरे पास मेरा फेसबुक पेज है, मेरा ट्विटर हैंडल मैं वहाँ जता लूंगा, मैं NDTV के इलेक्शन कैफे में बैठ के क्यों बोलूंगा। तो मेरा ये कहना है कि ये मौका जब तक वो ना कर दे, चुनाव सरकार ना चला के दिखा दे, उसके बाद सवाल खड़े होते हैं। पर कुल मिलाकर कुछ चीज़ें जो इस चुनाव की तमाम बातें आप लोगों ने कर ली हैं, मैं आने वाले दिनों में जो चीज़ देखना चाहता हूँ, एक बड़ी खबर है आज जिस पर हम लोगों ने चर्चा नहीं की इतनी देर की चर्चा में, देवेंद्र फडणवीस ने अपने पद से छोड़ने की बात कर दी।
अब ये जो इस्तीफे की पॉलिटिक्स शुरू होगी, ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू होगी, इसका अंत कहाँ होगा? क्योंकि बीजेपी ने तो कई राज्यों में खराब प्रदर्शन किया है, क्या यूपी में इस्तीफे होंगे, क्या बंगाल में इस्तीफे होंगे इससे सीखते हुए, क्या क्या बिहार में इस्तीफे होने चाहिए जहाँ बीजेपी 5 सीटें कम हो गई, है ना? ऐसे तमाम राज्य हैं। अगर मध्य प्रदेश में 29 में से 29 आई हैं, दिल्ली में 7 में से 7 आई हैं, हिमाचल में 4 में से 4 आई हैं, उत्तराखंड में 5 में से 5 आई हैं, तो अन्नामलाई सबका क्या होगा? जब हमने कहा कि हम सीटें जीत रहे हैं, अगर अब केरल में 1 सीट की खुशी मना रही है बीजेपी, तो तमिलनाडु में तो एक भी नहीं जीत पाई, वहाँ पर उनका क्या होगा जिन अन्नामलाई को सोशल मीडिया में इतना हीरो बनाएगा? मेरा ये कहना है कि मेरी दिलचस्पी अभी ये है, दोनों तरफ, इंडिया में की तरफ भी और एनडीए की तरफ भी, एनडीए की तरफ पे अब दबाव बनेगा बीजेपी के नेताओं पर जिनके दम पर ये चुनाव लड़ा गया। और बात पीडी सर की, मैं वहाँ से 100% सहमत हूँ, नरेंद्र मोदी नहीं होते तो ये 240 भी नहीं आते। ये 240 आने की वजह सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी के नाम पर सब चुनाव लड़ना चाहते थे और उन्हीं के पिगी बैग बनकर चुनाव जीतना चाहते थे। ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं, हम सब जानते हैं, जिन्होंने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ना के बराबर मौजूदगी दिखाई, ना के बराबर काम किया। क्यों? और वो क्यों टिकट चाहते थे दूसरी तीसरी बार में कि नरेंद्र मोदी के हवा चल रही है, इसमें हम भी जीत जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी के नाम पर आप काम, आप जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं भाई। अगर मैंने एक बहुत बड़े संत के विचारक से बात की आज सुबह, उनका ये कहना था कि ये डेव पिछले 6 महीने से फीडबैक था अयोध्या की सीट को लेकर, कि वहाँ के सांसद को लेकर स्थानीय लोगों में अब नाराजगी है कि काम नहीं हो रहा है। क्योंकि जो काम हो रहा था, जिसको हमने मंदिर बनता देखा, सड़कें बनती देखी, वो तो योगी करा रहे थे, वो तो प्रधानमंत्री करा रहे थे, वो तो नृपेंद्र मिश्रा करा रहे थे। लल्लू सिंह कहाँ थे? लल्लू सिंह के साथ रिपोर्ट दी गई कि लल्लू सिंह को टिकट बदलना चाहिए, पर यहाँ पर नहीं माना गया, जो भी वजह रही हो, एंड मौके पर डर गए हों, विचार हुआ हो कि क्यों एक बगावत एक बागी को बना देना चाहिए, 3-4 बार की वो सीटिंग सांसद है उस सीट से, तो उनका टिकट मिल गया उनको। और अंत में क्या हुआ? जो फीडबैक था वही हुआ। ऐसे तमाम जगहों से फीडबैक थे। बीजेपी ने यूपी में जो टिकट कम काटे, 62 में से 54 या 55 को रिपीट किया, जो सीटिंग थे केवल 6 या 7 टिकट काटे, केवल 10% का एवरेज था। नेशनली 30-35-34% का एवरेज था। नहीं नहीं, वो भी आ रहा है, मैं कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी वहां पर रिप्लेस करने की, जैसे दिल्ली में आपने 7 बदल दिए एक को छोड़ के, मनोज तिवारी को, है ना, अगर आप ये हिम्मत दिखाने की कोशिश यूपी में करते तो शायद यूपी में चीजें चेंज हो सकती थी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन एक चीज, एक सुनिए ना, मेरे को खत्म कर दीजिए, आपने अच्छा बोला बहुत सारा, वो मोमेंटम टूट जाता है, फिर मैं चला जाऊंगा, कुछ काम भी है। एक और चीज है कि हमको इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि एक नरेटिव बना, जो बात विचित्र कह रहे थे कि देश में 400 सीटें इसलिए मांगी जा रही हैं कि संविधान बदले जाने वाला है। जिस बीजेपी ने हिंदुत्व के नाम पर तमाम दलितों को अपने साथ इकट्ठा कर लिया था, सबको हिंदू बना दिया था 2014 में, कोई खटिक नहीं बचा, कोई पासी नहीं बचा, कोई कुर्मी नहीं बचा, कोई वो नहीं बचा, सब हिंदू हो गए थे और सब राम मंदिर बनना चाहता थे, वो सब राम मंदिर बनने पर बीजेपी से अलग हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ये बात जो 400 सीटों वाली बात आई, और विपक्ष राहुल गांधी ने, जो कि अगड़ी जाति से आता है, जो ये कहता है कि मैं पिछड़ों की जनसंख्या की गिनती कराऊंगा, जो अपनी मूल पार्टी की अपनी भावना के बिल्कुल विपरीत जाके बात करता है, उसकी बात लोगों ने माना। ये जो सपा को जो वोट मिला है उत्तर प्रदेश में, वो सपा को वोट नहीं मिला दलितों का, वो कांग्रेस की वजह से वोट मिला है, जो मोमेंटम कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया दलितों के पीछे। क्योंकि आज भी अगर आप ये कहेंगे कि अखिलेश यादव और कांग्रेस को अलग अलग लड़ा दीजिए और फिर कहिए इन दलितों को जो कि आपको अब अखिलेश को वोट करना है, नहीं करेंगे वोट, ये मुझे लगता है ये क्योंकि जो दलित है वो कांग्रेस का मूल वोटर था, कांग्रेस से खिसक कर 25 जगह गया वो। अगर कांग्रेस अगर साथ नहीं होता अखिलेश के साथ, तो ये शायद 37 या 38 सीटें जो यूपी में आई हैं, नहीं जो अच्छा दोनों मिला के 41, तो ये नहीं आती, ऐसा मुझे लगता है। ये हालांकि अभी हम एक दिन के बाद ही बात कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा मानना है कि अखिलेश को जो पसंद किया और अखिलेश ने जो सोशल इंजीनियरिंग की, और एक चीज़ नहीं भूलना चाहिए, 2 बार मैं, एक बार डिंपल से मिला उनकी पत्नी से, एक बार अखिलेश से मिला इंटरव्यू के दौरान, इसी कवरेज के दौरान, एक बार भी ऑफ द रिकॉर्ड भी बगैर कैमरे के भी उन्होंने मायावती की आलोचना नहीं की। वो इस बहुत सेंसिटिव थे इस बात को लेकर कि हमको ये मैसेज कहीं से कन्वे नहीं करना है, अक्रॉस ऑल पार्टी, ये बड़ा नीचे तक उनके उनके ड्राइवर तक को पता था कि ऐसी कोई काम नहीं करना जिससे ये मैसेज जाए कि सपा के लोग बसपा से नाराज हैं, मायावती के खिलाफ बोल रहे हैं, आप मुझे एक बयान दिखा दीजिए पूरे कैंपेन में। क्योंकि वो जानते थे कि दलितों को हमारे साथ लाना है तो दलितों का भरोसा कायम रखना पड़ेगा कि हम मायावती की इज्जत करते हैं, इसीलिए दलित उनके साथ जुड़े हैं। जो मुझे लगता है 3-4 चीज़ें, अखिलेश ने कैंपेन बड़ा अच्छा बनाया, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा किया,
बीजेपी के साथ गलती क्या हुई जो मुझे लगता है यूपी में राजभर की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। ओम प्रकाश राजभर नॉन सीरियस पॉलिटिशियन हो गए, हो सकता है अपने समाज में उनकी वो रामदास अठावले बन गए यूपी के, उनकी वो दलित नेता भी रामदास अठावले लेकिन एक ही सीट जीतते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर की स्थिति भी यूपी में वही होती जा रही है। अब यूपी में राजभर कम्युनिटी के तमाम नेता खड़े हो गए। तो राजभर पिछली बार जब थे 19 में अखिलेश के साथ तब तक अच्छे थे, लेकिन इस 19 से 24 के बीच में दो बार पाला बदला उन्होंने, 22 में, हाँ 22 से 24 के मतलब 22 में वहां थे फिर यहाँ गए फिर यहाँ आए, तो उनकी वो क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है उस कम्युनिटी में। संजय निषाद साहब की भी क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ा है। तो जो सोशल कॉम्बिनेशन अखिलेश यादव ने बनाया वो बीजेपी ने भी कोशिश की, आरएलडी को लेकर आए, संजय निषाद को साथ रखा, राजभर को रखा, अनुप्रिया पटेल साथ में है ये कुर्मियों की नेता, वो उसको जनता ने देख लिया था। वो बंद मुट्ठी जब खुली मुट्ठी हो गई थी तो पब्लिक को समझ में नहीं आया, लेकिन अखिलेश की मुट्ठी अभी नई नई थी जो बंद है जो अभी देखी नहीं गई है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि देश भर में बीजेपी का जो एक्सेप्टेंस हुआ ना सर उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि वहाँ के लोगों के पास अभी मुट्ठी जो है वो बंद की वाली मिली है, अभी खोल के देखा नहीं गया है। कांग्रेस पार्टी से क्यों मनुक्ता गया था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को 60 साल देख लिया था, कांग्रेस पार्टी के पास आइडियाज की कमी हो गई थी, कांग्रेस के पास आइडियाज नहीं थे इसलिए 14 में उनकी स्थिति हुई। अब कांग्रेस पार्टी के पास आइडियाज के लिए 10 साल का मौका मिला उन्हें, वो अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि अगली बार 100 से 99 से बढ़कर 272 होंगे या नहीं होंगे या कितना समय लगेगा, लेकिन कुल मिलाकर यंगस्टर्स के बीच में उन्होंने एक पहचान बनाने की कोशिश की है पार्टी में और जिसको एक्सेप्ट किया गया है। बीजेपी ने यंगस्टर में 14 में पहचान बनाई इसीलिए 14 और 19 जीते। इस बार का जो फर्स्ट टाइम वोटर है, आप तो डेटा के लोग हैं, मैं आपसे डेटा मांगता हूं, ये डेटा मुझे चाहिए, 18 साल वाला वोटर जिसने 2024 में पहली बार वोट डाला उसने कितना परसेंटेज एनडीए को डाला, कितना परसेंटेज इंडिया को डाला, कंपेयर टू 19 कंपेयर टू 14। मुझे ऐसा लगता है कि 14 और 19 के जो फर्स्ट टाइम वोटर थे वो 24 के मुकाबले बीजेपी के खाते में ज्यादा गए होंगे, इस बार कम गए, ये ग्राउंड की हकीकत से बात कर रहा हूँ। ये क्योंकि चर्चा काफी लंबी हो गई, बस मैं एक एक नहीं नहीं सर 70 नहीं हुए बंद हो गया है, लेकिन बस मैं एक एक चीज बोल दीजिए आप लोग 30-30 सेकंड में। अभी हमने बात की बीजेपी के एंगल से, लेकिन ये क्रेडिट कहीं ना कहीं चुनाव में विपक्ष को भी देना चाहिए, क्योंकि विपक्ष ही उस बीजेपी के 303 को और एनडीए को नीचे लेके आया 294 पे जो आज स्थिति है। तो विपक्ष नहीं लेके आया, मैं सॉरी तुझ से, ये जनता लेके आई है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जनता ने चुनाव लड़ा है, विपक्ष ने उसका फायदा उठाया है। पब्लिक जिस तरीके से मूड मैंने ग्राउंड ऐसा क्यों कह रहे हैं सर, विपक्ष नहीं जनता, जब ग्राउंड पे घूम रहे थे तो जो नाराजगी दिख रही थी युवाओं के बीच में, पेपर लीक को बीच में को लेके, नौकरियों को लेकर, अग्निवीर को लेकर, वो जब जमीन पे दिख रही थी। मैं तो सिर्फ यूपी घुमाऊँ, यूपी में ही 10-15 जो भी कॉन्स्टिट्यूंसीज में गया उसमें नाराजगी जमीन पे दिख रही थी। पर उन जगहों पे होता क्या था कि जब वोटिंग होती थी उसके 3 दिन के बाद या 5 दिन के बाद 7 दिन के बाद तो वोटिंग परसेंटेज पिछली बार से कम हो जाता था। तो हमको ऐसा लगता था, बिकॉज मैं सेफोलॉजिस्ट हूँ नहीं, मैं मेरी को खासियत भी नहीं है, तो मुझे लगता था कि नाराजगी केवल हम तक हमको बोलने तक है, ये नाराजगी पोलिंग बूथ में नहीं जा रही है, ये नाराजगी बटन ईवीएम का बटन नहीं दबा रही है। इसीलिए मैं ये कभी भी मैंने डेटा आंकड़ा नहीं दिया, किसी को नहीं दिया किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगा अगर ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ता, जो कि हम भाई बेसिक थ्योरी है कि अमूमन जब ज्यादा वोट पड़ता है तो एंटी इनकम में सिखला पड़ता है, और कम वोट पड़ रहा है इसका मतलब वोट तो देना चाहता है पर डर रहा है कि नहीं मैं जाऊंगा तो बाद में पिटू ना, तो इसीलिए मैंने कभी आंकड़ा नहीं दिया। अब जब रिजल्ट आ गए तो हम इस बात को एनालाइज कर सकते हैं और हम कह भी सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनारस और मिर्ज़ापुर, ये दो सीटें मेरे ख्याल से बड़ी, और गोरखपुर, ये 3 सीटें बड़ी आई हैं बीजेपी के पास जो इनका गढ़ था। उधर आसपास के जितने सांसद थे सब हार गए, बलिया हार गए, भदोही हार गए, मछली शहर हार गए, मतलब यू नेम इट, चंदौली हार गए, ये सब हार गए। और ये सीटें जीती हुई, मतलब वहाँ पे मुझे लगा उस इलाके में हम जब घूम रहे थे मुझे लगा कि ये सीटें बीजेपी से नाराजगी है, पर वही कि वोट करेंगे कि नहीं करेंगे, वोट करेंगे, ये भाई योगी जी का इलाका है, प्रधानमंत्री का इलाका है, अनुप्रिया पटेल का इलाका है, राजा भैया का बयान कुंडा प्रतापगढ़ का, वो उसने घी में आकर काम किया, धनंजय सिंह ने डबल गेम खेला बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ धनंजय सिंह इधर भी थे कि अभी तक बता दे धनंजय सिंह किधर थे वो, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाती ना अगर जीत जाते तो। ये जनता ने भी जवाब दिया अश्विन, उसमें देखिए आप एक केस स्टडी है जौनपुर, कैसे आप धनंजय सिंह उम्मीदवार बनते हैं बीएसपी से, लगा कि कृपा शंकर सिंह हार जाएंगे, उसका फायदा बाबू सिंह कुशवाहा को मिलेगा, फिर क्या होता है वो विड्रॉ करते हैं या जो भी होता है विड्रॉ करते हैं वो वहां से, और वो फेवर में जाते हैं बीजेपी के।
फिर टिकट बसपा किसको देती? उस आदमी को जो उसका सांसद था लेकिन उसका साथ नहीं था, वो रातों रात बुला के, वो यादव थे। तो कुल मिला के सीन ये बन रहा था कि भाई राजपूत अब वो विड्रॉ कर लिया, अब वो राजपूत वोट कृपा शंकर सिंह को मिल जाएंगे, ये यादव वोट ये काट लेंगे, तो मिला जुला के बाबू सिंह कुशवाहा हार जाएंगे, वो मिल जाएंगे, वो सीट भी बीजेपी हार गई, जीत गए, बीजेपी हार गई। मैं वही कह रहा हूँ, इतने सब के बाद भी बीजेपी हार गई, तो ये जो औकात दिखाने वाली बात, औकात दिखाने वाली, हाँ ये केस स्टडी है। जीतने में अखिलेश या राहुल गांधी की मेहनत नहीं थी, ये वहां की जनता की वो थी। आप बता दिए, आपको भी इतना डिस्क्रेडिट करेंगे आपकी जनता ने, जनता ने हराया या विपक्ष ने मेहनत ही नहीं की? साफ साफ दिखता है, फर्स्ट फेज तक मेहनत भी है, फर्स्ट वोट इलेक्शन शुरू, एक एक चीज नहीं होती कि कोई भी, हाँ बहुत सारा कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर है, लेकिन हाँ तो एक चीज से बताया करो, हेडलाइन मत ढूंढा करो कि हाँ ये काम मत करो, थंबनेल के जमाना है, नहीं नहीं एक लाइन में एक कोई भी एक फैसला हार या जीत का किसी एक वजह से नहीं होता, बहुत सारे रीजंस होते हैं, उनमें से एक मुझे जो लगता है कि इस बार यूपी के, स्पेसिफिकली यूपी की बात कर रहा हूँ, मैं कहीं और नहीं गया तो मैं नहीं कह सकता, यूपी में जनता चुनाव लड़ रही थी और ये बात बीजेपी के नेताओं को समझ में भी आ रही थी, बीजेपी ने कई सारे कोर्स करेक्शन किए, लेकिन खैर देर हो गई। लेकिन वेस्ट बंगाल में क्या है, वेस्ट बंगाल में देखिए मेरे हिसाब से ऐसा हुआ क्या कि शायद ये मैसेज गया वेस्ट बंगाल के डेटा, मतलब वेस्ट बंगाल के इलेक्शन को ठीक से देखने की जरूरत होगी। वहाँ हुआ क्या कि बीजेपी का वोट गिरा है, टीएमसी का वोट बढ़ा है, और सीटें भी, हाँ सीट, और इसीलिए तो वो हमको लगता है क्या कि संदेश खाली का बीजेपी को शायद नुकसान हो गया कि वेस्ट बंगाल का इमेज, मतलब शायद अभी हाँ ओवर रिएक्शन हो गया, क्या कि एक ऐसा इशू लैंड ग्रैब वाला इशू था शायद, एग्जैक्टली अभी इन्वेस्टिगेशन हो ही रहा है, वो तो संदेश खाली की जो महिला को टिकट थी वो हार गई, हाँ वो हार गई, और वहाँ 3.5 लाख वोट थे, हाँ बसीरा थे सर, हाँ तो सर तुम मल्टीपल, हर स्टेट का अलग अलग अपना मैसेज है, सेंट्रल मैसेज यही है कि लोगों ने औकात दिखाई। नहीं जनता, नहीं नहीं विपक्ष ने अपना काम अपने तई कोशिश की है तभी उसको मिला है, जनता तो बहुत बार हराने के लिए तैयार रहती है, ये नहीं हो पाता, जनता ने हर जगह अलग तरीके से किया है, उसने उड़ीसा में देखा कि नवीन पटनायक हैं, उनके सारे सांसद बीजेपी की ही बी टीम बने रहते थे, 10 साल में कोई भी विधेयक हो कुछ भी हो वो बिना विपक्ष उनके सामने हाथ भी जोड़ता था, लेकिन वो भी बीजेपी के साथ चले जाते, जनता ने बोला कि इनको क्यों देना है बीजेपी को ही दे दो, अपना सब एक साथ रहेंगे, खाम खा का क्यों इतनी ये करनी चाहिए। बंगाल में जो मयंक जी ने बात कही ये बात ही हमें भी सही लगती है कि ऐसा लगता है लोगों को कि वहाँ पर साजिश हो रही, कंस्पिरेसी हो रही है और नाहक बदनाम किया जा रहा है, उसमें हो सकता है कि बात सच्ची भी हो गलत भी हो, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है कि आदमी कर्तव्य से नहीं कहतव्य से चला जाता है, मतलब कुछ हो सकता है कि करने से ना जाए कहने से चला जाए, तो राजनीति का विमर्श तो पूरा कहने पे चलता है। तीसरी चीज़ है कि जो मैंने शुरू में ही कहा था कि ईमानदारी वाली बात, तो बीजेपी के साथ कुछ चालाकी वाली बातें इस बार गई जो विपक्ष को फायदा किया, जैसे कि बिहार में एक चीज़ बताएं, बिहार में इन लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ जोड़ा था, कुशवाहा वोट इनको मिलता, लेकिन वहाँ पर पवन सिंह खड़े हो गए, पवन सिंह की बीजेपी से नज़दीकी जग जाहिर है, और बात कोई माने या ना माने लेकिन ये ध्वनि बीजेपी में चली, जनता में चली गई, खासकर कुशवाहा जाति में, कि बीजेपी जानबूझकर के हमारे नेता को पार्टी को हराने के लिए किया है, और उसमें क्या हुआ कि बीजेपी को कई जगहों पर यादव वोट नहीं मिले, तो अब तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हुई। अब प्लस दूसरी बात कि हमें लगता है कि विपक्ष में हमेशा जनता ही होती है, वो जिस जब वो नाराज हो जाती है तो ये नहीं देखता है कि देखती है कि जीत कौन रहा है, वो ये देखती है कि हार कौन रहा है। चलिए एक चीज और, सॉरी बस एक लाइन और, अभी बात करते करते लगा मुझे कि हालांकि ये सब जगह फॉर्मूला लागू नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर राज्यों में कल के नतीजों के बाद जो भी रिजल्ट रहा है ऐसा लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी की वेव थी, उड़ीसा में बीजू जनता हार जाता है, टीडीपी वहाँ पर आंध्र प्रदेश में टीडीपी जाती है, वाईएसआरसीपी हार जाता है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार एक साल पहले बनी थी लेकिन तब भी वो 26 28 में से 9 या 8 या 9 सीटें जीत पाए,
है ना। इसी तरीके से अगर आप ऊपर यूपी में आए तो इनकी सरकार थी बीजेपी की, तो वहां पर आप 62 से घटकर 33 पे आ गए। महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, हरियाणा में देखिए, मोटे तौर पर ऐसा लग रहा है कि देश की जो आवाम थी वो कुल मिला के, जो हम लोग कह रहे हैं ना कि कौन जीरा, तो आवाम एक बेसिकली मैसेज देना चाहती थी, यही मैसेज कि भाई एंटी इनकम्बेंसी की हवा चल रही है, हम सत्ता के साथ नहीं, सत्ता को हमारा ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे सत्ता में कांग्रेस पार्टी हो, चाहे सत्ता में भाजपा हो, चाहे सत्ता में कोई और हो। लेकिन बहुत बड़ा अपवाद है तमिलनाडु में चेंज होता है, लेकिन उत्तराखंड भी है, तो कुछ कुछ अब बात भी है। लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी पहले दिखती नहीं थी वो अब दिख रही है, इसका मतलब कि वो कुछ बदलाव की खबर है। ये चुनाव इतना बड़ा है और इतना देश हमारा इतना बड़ा, इतने राज्य हैं और इतने बारीकियां हैं इस चुनाव में, समझने में बहुत दिन लगेगा। तो कल आते हैं किसी और विषय के साथ, किसी और मुद्दे पर। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बदलना, इलेक्शन खत्म हो गया है, इलेक्शन कैफे नहीं चलेगा, कुछ नाम सोचिए। जनता आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास कोई दिमाग में नाम है इस तरह के शो का, तो क्योंकि इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, तो आपसे अपील करते हैं, जरूर कमेंट में आप बहुत कुछ लिखते हैं, थोड़ा सा नाम भी सजेस्ट कर दीजिएगा। बेस्ट नाम वाले को क्या करेंगे सर? उनका नाम लेंगे, कि ये नाम उन्होंने दिया, इससे उनको जाता है। ठीक, ओके, तो आज कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।